तो दोस्तों आज के शुड में आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल को टीवी में कनेक्ट कैसे कर सकते हो, वो भी AV2 HDMI USB केबल से। तो गाइस हम कई सारे जो टीवी को यूज करते हैं तो टीवी में हमें मोबाइल को कनेक्ट करना है, वो भी AV2 HDMI USB केबल से। तो आपको आसान तरीके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस इस हमारा जो एंड्रॉयड मोबाइल है और इस हमारा जो मोबाइल है तो इसको मैं टीवी में चलाने के लिए जो पूरा सेटअप है यहाँ पे आपको करना है। और इस हमारा USB केबल है तो आपको यहाँ पे एक USB केबल को लेना है और दूसरा आपको यहाँ पे 3 पिन लेना है जो आपको डिश टीवी में कनेक्ट करते हैं, वही आपको 3 पिन को यहाँ पे लेना है। और दूसरा आपको यहाँ पे एक मिनी HDMI AV2 लेना है। तो यहाँ से जो सभी सेटअप है यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले आपको जो 3 पिन होता है वही आपको मिनी HDMI 2 AV है तो उसमें आपको लगाना है। तो चलिए जो 3 पिन है वही मैं लगा रहा हूँ। तो आपको इस तरह 3 पिन को यहाँ पे लगा देना है। तो अभी देख लीजिए कि 3 पिन में यहाँ से हमने लगा दिया है और इसी पिन आपको टीवी में जो 3 पिन होता है उसमें आपको लगाना है। तो चलो मैं आपको LED टीवी में जो भी हमने लगाया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि इसी तरह आपको 3 पिन को यहाँ पे लगाना है, क्योंकि हमें मोबाइल है वही हमें केबल से टीवी में चलाना है। और आपको HDMI केबल है वही आपको Mini 2 HDMI AV है उसमें आपको लगाना है। तो चले जो हमारा HDMI केबल है यहाँ से मैं लगाते जाऊँ तो आपको इस तरह यहाँ पे HDMI केबल है वही आपको लगा देना है। तो वही स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से मैंने लगा दिया है और इस जो USB केबल होता है वही आपको पावर देने के लिए टीवी में USB पोर्ट आता है उसमें आपको लगाना है। तो चलो मैं टीवी में USB पोर्ट में लगा देता हूँ और इस हमारा जो पिन है उसको हमें मोबाइल में कनेक्ट करना है। तो गाइस आपको जो पावर देने के लिए टीवी में USB पोर्ट होता है तो उसमें आपको केबल को लगा देना है। और आपका जो टीवी में USB पोर्ट नहीं है तो मोबाइल का चार्जिंग होता है उसमें आपको लगा के पावर दे सकते हो। तो चलिए हमारे जो टीवी में USB पोर्ट था तो यह से मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो आपको इस तरह कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करके आपको मोबाइल में पिन लगाना है। तो चले हमारा जो टाइप सी केबल होता है USB केबल होता है वही पिन आपको यहाँ पे मोबाइल में कनेक्ट करना है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे पावर देने के लिए जो टीवी में USB केबल को लगा दिया है और इसी केबल आपको यहाँ पे मोबाइल में लगाना है। और मोबाइल में आपको कनेक्ट करते हैं तो कई सारे ऑप्शन भी आपको दिखने को मिल जाता है तो उसमें आपको चार्जिंग को सिलेक्ट करना है। तो चले यहाँ से जो चार्जिंग वाला ऑप्शन है वही मैं सिलेक्ट करके स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है और इतना प्रोसेस करने के बाद आपको टीवी में जो इनपुट सोर्स होता है तो उसमें आपको AV2 सिलेक्ट करना है। तो चलो मैंने AV2 सिलेक्ट कर दिया है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से हमारा मोबाइल है यहाँ पे हमारा टीवी में शो हो रहा है, यानी कि पूरी मोबाइल की स्क्रीन है वही हमारा टीवी में शो हो गया है। तो आपको आसान तरीके मोबाइल को टीवी में कनेक्ट करना है, यानी कि मोबाइल को टीवी में चलाना है तो आपको AV2 HDMI USB केबल है उसकी मदद से आपको मोबाइल को पूरा टीवी में देख सकते हो। तो वे स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से हमारा मोबाइल है यहाँ पे हमारा टीवी में चल रहा है। तो चलो मैं किसी भी वीडियो को यहाँ पे प्ले करके बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको वीडियो को प्ले करना है तो आपको गैलरी में जाके वीडियो भी प्ले कर सकते हो। फोटो देखना है तो फोटो पे क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो भी देख सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा गैलरी में जो वीडियो था यहाँ से हमने प्ले कर दिया है तो सही से हमारा टीवी में वीडियो भी प्ले हो रहा है। तो सही से जो वीडियो है यहाँ पे चल रहा है। आपको यूट्यूब को चलाना है तो मोबाइल में इंटरनेट को ऑन करके यूट्यूब भी चला सकते हो, यानी कि पूरी मोबाइल की स्क्रीन है वही आपको टीवी में यूज कर सकते हो। तो गाइस जो भी हमने सेटअप किया है यहाँ से हमने AV से मदद से किया है, AV2 HDMI केबल है यहाँ से हमने कनेक्ट करके मोबाइल की पूरी स्क्रीन है वही हमने टीवी में कनेक्ट कर दिया है। तो आपको आसान तरीके मोबाइल को टीवी में चलाना है तो AV2 HDMI यानी USB केबल है उसकी मदद से टीवी में मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि पूरा मोबाइल है
वही आपको टीवी में चला सकते हो। तो डिसकनेक्ट करना है तो आपका मोबाइल से जो केबल है वही आपको हटा देते हैं, तो आपका जो यहाँ पे डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो चल मैं केबल को निकाल देता हूँ, तो हमारा LED टीवी है उससे हमारा मोबाइल डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर ज़रूर करना। तो चल मिलते नेक्स्ट वीडियो में।